हम लोगों ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा अभ्यास किया। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके कई सारी अलग अलग किस्म की चीज़ें आपको पता चलेंगी जो हमारे सामान्य अनुभव से बिल्कुल अलग होंगी। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप फ़र्क देखें तो आप पाएंगे कि अगर जो वेलोसिटी फ्रेम की है, दो फ्रेम्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि एक फ्रेम दूसरे के अपेक्षा चल रहा है और तब वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इस फ्रेम से उस फ्रेम में, उस फ्रेम से इस फ्रेम में, तो वो जो चलने की जो गति है, जो उसकी उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वी, वो अगर प्रकाश के वेग से बहुत छोटा हो तो दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो पहले इसको देख ले। जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो था हमारा एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी टी, और जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है वो है एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी टी और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। और ये जो वी है, ये वी ये फ्रेम की वेलोसिटी है, जो जिसको हम एस फ्रेम कह रहे हैं, एक्स एक्सिस यहाँ है, और जिसको हम एस प्राइम फ्रेम कह रहे हैं, एक्स एक्सिस यहाँ है, ये फ्रेम इस फ्रेम की अपेक्षा वी वेलोसिटी से चलता है। वो वी यहाँ पर है, वही वी यहाँ पर है, वही वी यहाँ पर है। तो अगर ये फ्रेम की वेलोसिटी वी इस सी की अपेक्षा बहुत छोटी हो जाए, सामान्यतः हम लोग जब काम करते हैं अपने ज़िंदगी में तो जिन वेलोसिटीज से हमें पाला पड़ता है वो कितनी होती हैं, हम अपना स्कूटर ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो कितना 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर आप बदल लें, मान लीजिए आपने 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, तो अगर उसको आप चेंज करें तो कितना बनता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर का मतलब 72,000 मीटर और घंटे का मतलब 3600 सेकंड, इतने मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखिए कितना बनता है, 20, ये 20 मीटर प्रति सेकंड बनता है। हवाई जहाज वगैरह से यात्रा करें तो इसका 10 गुना समझ लीजिए, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे हमने किया, 700 किलोमीटर, 720 किलोमीटर प्रति घंटा कर लीजिए तो 200 मीटर प्रति सेकंड बनेगा। तो जो हम वेलोसिटीज़ इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम होती हैं, वो कुछ मीटर प्रति सेकंड में होती हैं। 100 मीटर प्रति सेकंड तो बहुत हाई स्पीड हो गई, आंधी चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो बहुत तबाही ले आती है। तो ये वी जो है ये सामान्यतः हम लोगों का बहुत छोटा होता है। जो सी है वो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, सी जो है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 200 मीटर प्रति सेकंड में तो हम हवाई जहाज में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये वी बहुत छोटा है इससे, और इतनी छोटी संख्या को, उसका भी स्क्वायर है, वी बाई सी का भी स्क्वायर है, तो किसी बहुत छोटी संख्या का आप स्क्वायर कर दें तो और भी छोटी हो जाती है। 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1/4 हो जाता है, और भी छोटा हो जाता है। तो जितनी छोटी संख्या होगी उसका स्क्वायर करने से वो उतनी ही और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, उसका भी स्क्वायर है यहाँ पे। तो 1 के सामने ये बिल्कुल ही नगण्य है, कुछ इसका असर का पता नहीं चलने वाला है। और तब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल बराबर हो जाता है। इसीलिए यद्यपि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं है और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन सही है, लेकिन आम जिंदगी के अंदर में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। इसी तरह टाइम का भी देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है टी प्राइम बराबर टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में होता है टी प्राइम बराबर टी, वेलोसिटी जो फ्रेम की है वो
स्पीड ऑफ लाइट की अपेक्षा बहुत कम हो तो ये तो वन हो जाएगा ऑलमोस्ट। और यहाँ भी आप देखें, यहाँ नीचे में सी है, वी बाई सी है यहाँ पर, फिर एक्स बाई सी है, तो यहाँ भी अगर वेलोसिटी बहुत छोटी हो जाए तो फिर ये भी इसके सामने में नेग्लिजिबल हो जाता है सामान्य परिस्थितियों में, और तब टी प्राइम बराबर टी होने से ये ऐसा हो जाता है, और वाई में और जेड में तो कोई झंझट है ही नहीं। तो इसलिए अमूमन जब हम कुछ मीटर प्रति सेकंड टाइप की वेलोसिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एक ही हो जाते हैं, और हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लॉरेंज में जा कर के और काम करें, हम गैलीलियन में भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसे फ्रेम्स में हम जा रहे हैं जहाँ की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, तब वैसी हालत में हमें अलग अलग किस्म के परिणाम मिलते हैं। जैसे एक बहुत रोचक परिणाम है जिसको कहते हैं टाइम डायलेशन या समय विस्तार। और आम भाषा में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो घड़ियां चलती रहती हैं वो स्लो हो जाती हैं। अगर हमारे पास में ये घड़ी है और हम यहाँ कमरे में हैं और इस घड़ी की अपनी एक चाल है और कमरे के फ्रेम से हम सारा काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ घड़ी बड़ी सही चल रही है और सही रेट पर है और वगैरह वगैरह। लेकिन इसी घड़ी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो तेज़ी से चल रहा हो वो इसको ऑब्जर्व करे तो वो ऐसा बताएंगे कि आपकी घड़ी स्लो चल रही है, मेरी घड़ी ठीक चल रही है। और मैं अगर उनकी घड़ी देखूंगा तो मैं भी यही बात कहूंगा कि नहीं, मेरी घड़ी स्लो नहीं चल रही है, आपकी घड़ी स्लो चल रही है, मेरी घड़ी सही समय दे रही है। यानी जो घड़ी, दो घड़ियों की बात हम कर रहे हैं, एक घड़ी की बात हम कर रहे हैं जो इस फ्रेम में है, एस फ्रेम में है, एक घड़ी एस फ्रेम में है, ये एक घड़ी एस फ्रेम में है, और एक एस प्राइम है, उसमें भी एक घड़ी है, एक जैसी घड़ी है, एक ही कंपनी की और एक ही जैसी घड़ी है, ये घड़ी की बनावट में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम एस में हैं और अपनी घड़ी को देखते हैं और हम पाते हैं कि घड़ी मेरी बिल्कुल सही रेट पर चल रही है, सही दर पर चल रही है, सही चाल से चल रही है, और हम जब इनकी घड़ी देखते हैं तो हम कहते हैं आपकी घड़ी स्लो चल रही है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, सभी इनर्शियल फ्रेम एक से है। अगर यहाँ से मैं कहता हूँ कि चलने वाली घड़ी स्लो है, जो चल रही है घड़ी वो स्लो है, तो यही स्टेटमेंट यहां से भी दिया जा सकता है। एस प्राइम फ्रेम में यदि हम एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएं, तो वहां पे क्लॉक है और हम कि इस फ्रेम से इस घड़ी को देख रहे हैं तो वो घड़ी हमें सही दिखेगी, और एस प्राइम फ्रेम से अगर हम एस को देख रहे हैं तो ये चलती हुई घड़ी हो गई। अब कि इस फ्रेम की अपेक्षा ये एस चल रहा है, एस प्राइम फ्रेम की अपेक्षा ये एस इधर को चल रहा है, ऐसा। तो चलने वाली घड़ी अगर स्लो होती है तो फिर ये सही चल रही है और ये स्लो चल रही है। लेकिन ऐसे भी हम देख सकते हैं, और अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम कहेंगे ये जो घड़ी है ये चल रही है, ये ऐसा चल रही है, और तब हम कहेंगे कि मेरी घड़ी ठीक है और ये स्लो है। तो ये इस तरह की कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, और अपने को ये पता चलता है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से या स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से कि हम दोनों को एक ही स्टेटमेंट में लगा सकते हैं कि जो घड़ी चल रही है वो स्लो चल रही है, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। तो पहले देखें हम इसको एक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जो हमने दो पॉस्टुलेट कहे थे, अभिगृहित कहे थे स्पेशल थियोरी के, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। तो मान लें हमारे पास एक फ्रेम एस फ्रेम में, और हमने एक यंत्र बनाया है, एक पाइप बनाया है, उस पाइप के अंदर में हमने दो मिरर्स फिट किए हैं, एक यहाँ मिरर फिट किया है M1
और एक यहाँ मिरर फिट किया है M2, और यहाँ से हम, और इसकी जो लंबाई है, ये सब कल्पना की बातें हैं लेकिन सिद्धांत पूरी तरह से सही है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है L, ये लंबाई है, हम बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं इसको, ये L लंबाई है, हमने नापी इसको L लंबाई, और यहाँ से हम एक लाइट की पल्स जनरेट करते हैं, एक छोटी सी पल्स जनरेट करते हैं एक बिल्कुल कम समय के लिए, और हमने यहाँ से एक पल्स जनरेट किया लाइट का, और वो लाइट की पल्स चलती है, सभी तरफ फैल सकती है, इधर उधर सभी तरफ फैल सकती है, और ये लाइट जो है, ये एक हिस्सा लाइट का एटलीस्ट, ये चल करके इस मिरर पर पहुंचता है, ये लाइट चल करके और इस मिरर पर पहुंचती है, और यहाँ से फिर परावर्तन होता है इसका, और चूंकि जो लंबवत पड़ती है वो उसी दिशा में लौट आती है, तो फिर से वो पल्स इधर की तरफ चलती है, और ऐसा चलते चलते फिर यहाँ पे वापस आ जाती है। तो हम दो इवेंट्स की चर्चा करेंगे, आप दो इवेंट्स को ध्यान से देखें क्या है। हमारा पहला इवेंट है इवेंट वन, मेरा पहला इवेंट है जो पल्स है, जो लाइट की जो छोटी सी तरंग है, तरंगिका, तो ये जो लाइट की पल्स है, प्रकाश की, M1 से चली, ये हमारा पहला इवेंट है, और हमारा दूसरा इवेंट है ये जो प्रकाश के पल से परावर्तन के बाद फिर से M1 पर आकर पड़ी, ये जो प्रकाश के पल्स है M1 पर पड़ी, M2 से परावर्तन के बाद M1 पर पड़ी, ये हमारा दूसरा इवेंट है। तो आप देखें इसके बीच में कितना समय लगा, इन दोनों इवेंट्स के बीच कितना समय लगा, तो इसको अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि ये लंबाई L है, प्रकाश को L दूरी चलना पड़ा, और फिर से यहाँ L दूरी चलना पड़ा, तो 2L दूरी चलना पड़ा, और प्रकाश का वेग सभी फ्रेम्स में एक बराबर होता है, तो समय जो लगेगा, टाइम, समय, तो ये जो समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, 2L by C, इसको हम कहते हैं, मान लीजिए डेल्टा टी नाम देते हैं, इतना टाइम लग रहा है, इन दोनों इवेंट्स के बीच में इतना टाइम गुजरा, L डिस्टेंस जाने में L by C लगा, और फिर L डिस्टेंस से आने में L by C लगा। अब इसी यंत्र को हम एक दूसरे फ्रेम से देखेंगे, यंत्र को छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, लेकिन हम एक दूसरे फ्रेम से देखेंगे, कोई दूसरा फ्रेम है S प्राइम, जो कि इस फ्रेम की अपेक्षा, हमारी लेबोरेटरी की अपेक्षा, हमारे कमरे की अपेक्षा V वेलोसिटी से दूसरी तरफ जा रहा है, उसको ये सारा ये सारी घटना कैसी दिखेगी, तो हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो S प्राइम की अपेक्षा, S प्राइम से पूरे को अगर हम देखते हैं अब, तो S प्राइम की अपेक्षा ये पूरी पाइप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पीछे की ओर V वेलोसिटी से चलती हुई दिखेगी, क्योंकि S में ये स्थिर है और S प्राइम जो है वो खुद V वेलोसिटी से पॉजिटिव X में चल रहा है, तो S प्राइम से अगर देखेंगे तो ये पूरी पाइप S तरफ को चलती हुई मिलेगी। तो जिस समय ये पल्स निकली, इवेंट वन, जिस समय ये पल्स निकली यहाँ से, पाइप यहाँ थी, अब हम S प्राइम से सारी चर्चा कर रहे हैं, ये जो हमने लिखा, ये जो हमने लिखा, ये हमने लिखा है S प्राइम से, और S फ्रेम का क्या मतलब है यहां पे, जिसमें हमारी पाइप स्थिर है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, और अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो S प्राइम फ्रेम से चर्चा कर रहे हैं, और इस S प्राइम फ्रेम में ये पूरी पाइप इधर की तरफ भी वेलोसिटी से चल रही है।
तो जिस समय ये पल्स निकली है उस समय में ये पाइप यहाँ पर है, लेकिन ये पल्स चल करके जब तक M2 पर पहुँचेगी कुछ समय लगेगा, और उतने समय में ये पाइप यहाँ नहीं होगी, उतने समय में ये पाइप इधर चल चुकी होगी। तो अगर जिस समय ये पल्स इस M2 को हिट कर रही है उस समय में ये पाइप यहाँ पहुँच गई, ये M1 है और ये M2 है और ये पाइप यहाँ पहुँच गई है, तो यानी लाइट चली थी यहाँ से लेकिन M2 को हिट इसने यहाँ नहीं किया, M2 को हिट इसने यहाँ किया। तो अर्थात S प्राइम से देखने पे, S प्राइम से अगर मैं देख रहा हूँ तो S प्राइम से देखने पे ये लाइट जो यहाँ से चली थी और यहाँ पहुँची थी ये रास्ता तय किया उसने। अच्छी सी ड्राइंग नहीं है, ऐसा ऐसा यहां से लाइट चली लेकिन M2 को हिट उसने यहां नहीं किया, M2 को हिट इसने यहां किया। और वापस M1 को कहां हिट किया, क्योंकि M2 को हिट करने के बाद M1 तक आने में फिर उसको समय लगेगा और उतने समय में यह पाइप यहां से चल करके कहीं यहां पहुंच जाएगी। तो जिस समय वो M2 को हिट कर रही है उस समय में तो यहां है, और वापस चल करके जब M1 को हिट करेगी उस समय में यह पाइप यहां पहुंची हुई होगी। ऐसा तो ये इस तरह से होगा, ऐसा ऐसा आएगा और यहां M1 पे वापस पड़ेगा। तो लाइट को कितनी दूरी चलना पड़ा, अगर यहां से यहां से चल के यहां आने में मान लो कुछ T1 समय लगा, यहां से इस रास्ते को चल के यहां आने में अगर T1 समय लगा M1 से चलकर M2 तक पहुंचने में, T1 समय लगा, तो मतलब T1 समय में ये पाइप जो है सो यहां से यहां पहुंच गई है। तो ये डिस्टेंस आपको पता हो सकता है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है v × T1, क्योंकि पाइप इस दिशा में v1 वेलोसिटी से चल रही है, T1 समय में पाइप v T1 डिस्टेंस चलेगी और उसी समय में इसने M2 को यहाँ पर हिट किया है। और ये डिस्टेंस L है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदलते, जो फ्रेम की वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वाई प्राइम बराबर वाई है, जेड प्राइम बराबर जेड है। तो ये डिस्टेंस L है, तो ये कितना हो गया। अब यहाँ पे आप इस समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, और इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर और प्लस ये v T1 स्क्वायर। L का स्क्वायर प्लस v T1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये इतना डिस्टेंस बनेगा। अर्थात प्रकाश ने T1 समय में इतनी दूरी तय की है, लेकिन प्रकाश ने अगर T1 समय में इतनी दूरी तय की है तो इसका मान c × T1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फ्रेम S प्राइम में भी प्रकाश का जो वेग है वो c है। तो T1 समय में प्रकाश कितनी दूर चलेगा, c × T1 इतनी दूर चलेगा। अर्थात यहाँ से यहाँ की जो दूरी है जो T1 समय लगा है इसको प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, उसको c × T1 होना पड़ेगा। क्या पता चला,
स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी वन स्क्वायर, इसको होना चाहिए सी इंटू टी वन। यहां से आप टी वन का मान पता कर सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी वन स्क्वायर बराबर सी इंटू टी वन स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए तो एल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी वन स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और फिर यहां टी वन स्क्वायर, अर्थात टी वन स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसलिए टी वन बराबर एल बटा स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इतना समय लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, और फिर लाइट को यहां से चल करके यहां पहुंचना है, तब इवेंट टू होगा। इवेंट टू का मतलब प्रकाश की पल्स एम टू से परावर्तन के बाद फिर एम वन पर पड़ी, तो यहां से यहां आने में जो समय लगेगा वो भी उतना ही होगा। आप इस ज्योमेट्री को देख सकते हैं, यहां भी ये एल है और ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस होना है, ये वी टी वन है, तो इसलिए यहां भी उसको टी वन समय ही लगेगा। तो अब देखें, अब एस प्राइम फ्रेम में इवेंट वन से इवेंट टू के बीच का कितना समय अंतराल हुआ, जब प्रकाश की पल्स चली और बाद में फिर से जब वो वहां एम वन पर पड़ी उसके बीच कितना समय गुजरा, तो टी वन समय यहां गुजरा, टी वन समय यहां गुजरा, टू इंटू टी वन इतना समय गुजरा, यानी एम वन से चलकर और फिर से M1 पर M1 से चलकर और फिर से M1 पर आने में लगा समय बराबर 2T1, 2T1 यानी T1 अभी हमने निकाला यहां पर, ये T1 यहां पर है, T1 बराबर L बटा स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसका दो गुना, तो अर्थात 2 इंटू एल बटा स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहां से आप ये सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो ये हुआ 2L बटा सी वन माई स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हम डेल्टा टी प्राइम कहेंगे, यानी प्राइम वाले फ्रेम में, एस प्राइम में इन्हीं दो घटनाओं के बीच में कितना समय लग रहा है वो ये, और वो आप देख रहे हैं कि जो एस फ्रेम में जो समय लगा था उतना नहीं है, उससे अलग है। ये एस फ्रेम के लिए हमने यहाँ निकाल करके रखा था, एस फ्रेम से जिसमें पाइप स्थिर है उसमें जो समय लगा इवेंट वन और इवेंट टू के बीच, एम वन से चली और वापस एम वन पर पड़ी उसके बीच, वो इतना समय लगा था। और एस प्राइम से उसी को देख रहे हैं, उन्हीं दो इवेंट्स को देख रहे हैं, उसी पाइप को देख रहे हैं, और तब उन दो घटनाओं के बीच जितना समय लग रहा है वो ये लग रहा है जो कि ये इतना है, तो ये अलग है बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग है। और इसको आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी प्राइम जो कि ये इतना है और ये है डेल्टा टी 2L बाई सी, ये बराबर है डेल्टा टी बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दो घटनाओं के बीच का समय अंतराल फ्रेम पर निर्भर करता है,
कितना समय लगा पहली घटना के कितनी देर बाद दूसरी घटना हुई, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सा फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस उदाहरण में अगर हम इस एल का जो मान है, आप कल्पना कीजिए, केवल कल्पना ही कर सकते हैं, इस एल का जो मान है वो मान लीजिए आधा लाइट सेकंड है। लाइट सेकंड समझते हैं, एक सेकंड में लाइट जितनी दूरी चलती है उसको कहते हैं एक लाइट सेकंड। एक वर्ष में लाइट जितनी दूरी चलती है सब कुछ निर्वात में उसको कहते हैं लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। तो अगर मान लें एल को हम ले लेते हैं वन लाइट सेकंड, यानी एक सेकंड आधे, वन बाई टू, एल को ले लें वन बाई टू लाइट सेकंड, आधे सेकंड में लाइट जितना दूरी चलेगी उसको हम कहेंगे एल, ये लंबाई। तो आप यहां देखिए M1 से चली और M1 पर वापस पहुंची, S में अगर हम देखते हैं, S फ्रेम में अगर हम देखते हैं, S फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो डेल्टा T है, ये डेल्टा T कितना समय लगा यहां से जा करके यहां आने में, तो 2L डिस्टेंस चलने में जितना समय लग रहा है प्रकाश को वो है, और हमने आधा लाइट सेकंड लिया है वो, तो 2L बराबर हो जाएगा एक लाइट सेकंड। तो यानी इस सी वेलोसिटी से चलेंगे अगर तो ये एक सेकंड होना चाहिए, ये डेल्टा टी बराबर एक सेकंड होना चाहिए, क्योंकि इतने समय में प्रकाश जो है जो 2L डिस्टेंस चलता है, और 2L हमारा कितना लिया है हमने, 2L हो जाएगा वन लाइट सेकेंड, तो एक सेकेंड में लाइट जितना दूरी चलती है वो 2L है, तो इसलिए ये डेल्टा टी एक सेकेंड हो जाएगा, वन सेकेंड। तो आप देखिए ये हमारी घड़ी बन गई, जहां ये पल्स चली उस समय कुछ घड़ी में समय है, ये पल्स वापस आई एक सेकेंड बीत गया, फिर यहां से परावर्तन होगा इसे M1 से, फिर यहां जाएगी और फिर वापस आएगी, एक सेकेंड और हो गया। तो जैसे घड़ी हमारी एक एक सेकेंड पर टिक 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 आगे बढ़ती है, यहां भी हम इसको एक घड़ी की तरह कह सकते हैं कि जब M1 के ऊपर पल्स आई एक सेकेंड हो गया, फिर आई एक सेकेंड हो गया, फिर आई एक सेकेंड हो गया, एक एक सेकेंड पे ये यहां पे टिक 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 पल्स आ रही हैं। तो ये घड़ी हमारी बड़ी अच्छी घड़ी है, हर एक सेकेंड के ऊपर वो टिक करती है, हर एक सेकेंड पर वो टिक करती है, ये पल्स चल करके आई और हम समझ गए टिक हो गया, फिर पल्स चल करके यहाँ से परावर्तन हो करके गई, फिर आई, फिर टिक हो गया, फिर परावर्तन होकर यहाँ गई, फिर आई, फिर टिक हो गया, तो ये घड़ी। लेकिन इसी घड़ी को जब हम एस प्राइम से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये कितनी देर में टिक टिक हो रहा है, एम वन से निकलने के बाद फिर से एम वन पे कब आ रहा है, कितनी देर में टिक टिक हो रहा है, ये इतनी देर में टिक टिक हो रहा है, और ये अगर एक सेकेंड है तो ये डेल्टा टी प्राइम एक सेकेंड से ज्यादा है, ये डेल्टा टी प्राइम एक सेकेंड से ज्यादा है, क्योंकि ये एक में से हमने वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर घटाया है तो ये संख्या एक से छोटी है, और जो उसका हम वर्गमूल निकालेंगे वो भी एक से छोटा है, और एक से छोटी संख्या में जब भाग लगाया जाता है, एक से छोटी संख्या से जब भाग लगाया जाता है तो भागफल बड़ा होता है, जिसमें भाग लगाते हैं उससे बड़ा होता है। एक से छोटी संख्या से जब आप भाग लगाएंगे, जैसे एक बटा दो से अगर आप भाग लगा रहे हैं तो मतलब आप दो से गुना कर रहे हैं, जब भी एक से छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो जितना यहाँ है ऊपर अंश में न्यूमरेटर में उससे ज़्यादा आने वाला है, तो यानी ये डेल्टा टी प्राइम इस डेल्टा टी से अधिक है, ये अगर एक सेकेंड है तो ये एक सेकेंड से ज़्यादा है। तो एस प्राइम फ्रेम में इसी क्लॉक को अगर देखते हैं, इसी पाइप को अगर देखते हैं, इसी घड़ी को अगर देखते हैं तो एक टिक से दूसरे टिक आने में एक सेकेंड से ज़्यादा समय लग रहा है, अर्थात ये घड़ी स्लो चल रही है,
एक एक सेकंड पर टिक होना चाहिए था, वो एक सेकंड से ज़्यादा लग रहा है एक टिक से दूसरे टिक होने में, तो ये घड़ी स्लो चल रही है। तो मूविंग क्लॉक्स जो है वो स्लो चलती हैं, किसकी अपेक्षा, जब वही क्लॉक रेस्ट में हो उसकी अपेक्षा। और ऐसा नहीं कि उनको हमने मूव करा दिया तो उसके यंत्र खराब हो गए हैं इसलिए वो स्लो चल रही है, ऐसी बात नहीं है। इस पूरे डेरिवेशन में आपने देखा घड़ी को तो हमने कुछ किया ही नहीं, पाइप को तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने केवल अपना ऑब्जर्वर बदला है। एक बार हम उस फ्रेम से देख रहे हैं जहाँ ये पाइप स्थिर है, और दूसरी बार हमने उस फ्रेम से देखा, हमने अपने ऑब्जर्वर को बदल दिया है। अब वो जो चल रहा है ऑब्जर्वर वो इस पाइप को देख रहा है, और उसके लिए यही घड़ी स्लो चल रही है। जो मूविंग क्लॉक्स होती हैं वो स्लो चलती हैं। दो घटनाओं के बीच का समय फ्रेम पे निर्भर करता है, और अगर एक ऐसा हो सकता है कि एक फ्रेम में दो घटनाओं के बीच में जितना समय अंतराल है दूसरे फ्रेम में उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए या उतना ही रह जाए, ये सभी चीज़ें संभव हैं।